गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज हम इसके पार्ट थ्री पे बात करने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के। जो है हमने जहाँ से कल छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, वो कह रहा है कि हाल ही में एक जो है हाल ही में एक स्टेज शो पेश करते हुए एक अभिनेत्री ने घोषित कर दिया है कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान लेने की आदत है या फिर उसे बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम जो है स्टेटमेंट को पढ़ें अच्छे से, तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो अभिनेत्री है उसे, मतलब जो स्टेज शो करने के लिए है, या तो पूरा भुगतान लेने की आदत है या फिर बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है। या तो वो फिर पूरा ही भुगतान ले लेती है ना, फुल पेड रहता है, या फिर क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, अगर यहाँ से जितना हमें स्टेटमेंट समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे निष्कर्ष हैं, अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए पूरा भुगतान ले लिया है। देखो, ये हो भी सकता है, नहीं भी, हम नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है ले लिया हो, क्योंकि उसे आदत है, या तो वो लेती है या वो नहीं कर लेती है ना। दूसरी बात है, हाल ही में स्टेज शो के लिए कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो हम ये गारंटी दावे के साथ नहीं बोल सकते कि उसने ले लिया है ना। और हम दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि उसने नहीं लिया है, ठीक है। तो ये जो है दोनों गलत के साथ, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ऐसा केस जो है आइदर और का केस कहलाता है, जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली गलत हों, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ना, और एक दूसरे के अपोजिट हों। तो इसका हो जाएगा कि या तो एक या फिर दो, यानी कि आइदर वन और टू वाला केस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। मतलब जो ऊर्जा के हम वैकल्पिक, या ये कह लें नवीनीकरण, अर्थात जिसको हम परंपरागत तरीके से नहीं यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हम जो परंपरागत रूप से यूज़ करते हुए आते हैं, उनमें से जो प्रमुख हैं वो है कोयला, डीजल, इत्यादि जो भी हैं, ये हमारे, है ना, परंपरागत स्रोत हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। और जो हम अल्टरनेट सोर्सेज उनकी जगह पर ला रहे हैं, है ना, जो नए सोर्सेज हम ला रहे हैं, उनके जो उपयोग है, कह रहा है कि ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। इसका मतलब जो है ऊर्जा का जो, तो कह रहा है कि इसका मतलब जो कथन से हमारा जो कथन पढ़ के हमें समझ में आता है, वो क्या आ रहा है कि जो है नवीनीकरण, यानी कि जो हम नए उपयोग, मतलब जो ऐसे हम ऊर्जा के स्रोत लेके आएंगे जो बिल्कुल नए हैं, है ना, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, वो ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा से मतलब क्या है कि अभी ऊर्जा का संकट है, इसका तो मतलब ये निकलता है ना कि अभी ऊर्जा का क्या है, संकट है, ठीक है। तो अब जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय मतलब जो चले हुए आ रहे हैं, जो नवीनकरणीय नहीं है, अर्थात जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, गैर नवीनकरणीय का मतलब हुआ जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ऊर्जा के, उनका स्रोत ले रही है। देखो, सिंपल सी बात है, इस निष्कर्ष में ना थोड़ा सा हमें शब्दों को घुमाया गया है। जो प्रौद्योगिकी वर्ड है ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी कभी भी जो है स्रोत नहीं होती, सोर्स नहीं होती, एक मीडियम होता है ना। टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ मीडियम, एक माध्यम है, स्रोत नहीं है, है ना। जैसे वो एक नए स्रोत या फिर नए स्रोत की ओर को ले जाने का एक माध्यम है हमेशा ही। आधुनिक प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी जो शब्द है, जो ये पूरा का शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब यही है कि, है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्कवरी की ओर हमें टेक्नोलॉजी ले जाती है, तो एक किसी स्रोत की ओर ले जाने का काम करती है। तो स्रोतों की जगह ले रही है, कहने का मतलब यहाँ पर प्रौद्योगिकी से गलत हो जाएगा, क्योंकि स्रोत स्रोत को रिप्लेस करेंगे, ना कि विधि, कोई कोई विधि उसको रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। देखो, यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए, हमें
साफ पता लग रहा है कि ऊर्जा का संकट को अगर वो समाप्त कर रहा है, नवीनीकरण स्रोत ऊर्जा के संकटों को समाप्त कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका साधारण सा मतलब हुआ, अगर मतलब ऊर्जा का संकट तो है इस वक्त, है नहीं, अगर हमें नए स्रोतों की जरूरत पड़ रही है, नवीनकरणीय स्रोतों की जरूरत पड़ रही है और वो ऊर्जा के संकट को समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया संकट है अभी, है कि नहीं? और संकट है तो उसका कारण पर्यावरण का अत्यधिक शोषण, ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय, मतलब जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि कोयला पेट्रोल वगैरह है ना, स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि डायरेक्ट यहाँ पर पर्यावरण को लिखा नहीं गया कहीं भी, लेकिन जो ये निष्कर्ष है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, क्योंकि हम सभी जनरली जानते हैं इस बात को, है ना? पर अगर कथन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्यावरण का अत्यधिक शोषण हुआ है या नहीं हुआ है ना, या फिर पर्यावरण का शोषण किए बिना हम ये कह लें कि जो गैर नवीनकरणीय जिनको हम दोबारा है ना उपयोग, मतलब एक ही बार जितना हमने खर्च कर दिया उसके बाद हम दोबारा उसको नया नहीं कर सकते या रिफिल नहीं कर सकते, ऐसे सोर्स हमें नहीं पता, हमें कथन से कहीं फीलिंग नहीं आ रही है कि ऐसे सोर्स की मात्रा क्या है या हमने किस लेवल पे जाके उनका शोषण किया है। देखो, शोषण करना और उनकी, हमें यही नहीं पता कि आखिरकार जो गैर नवीनकरणीय यानी कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनकी मात्रा क्या है ना, और शोषण का यहाँ पर पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं दिया गया है ना? अगर हमें कहा होता कि भैया स्टेटमेंट में ऐसा कोई चीज़ गिवन होती तब हम इसको सही कर सकते थे, सही मान सकते थे, है ना? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, डाउटनेस पैदा कर रहा है ये जो कंक्लूजन है। हालांकि चूंकि हमें यहाँ पर शोषण से संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि शोषण की क्या परिभाषा है, यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि जो गैर नवीनीकरणीय स्रोत हैं है ना वो किस मात्रा में अवेलेबल है ना, और कितना कितना टाइम तक उनका उपयोग होना चाहिए था, किस तरीके से होना चाहिए था, कैसे अत्यधिक दोहन हो रहा है। सिर्फ स्टैंडर्ड बेस पर ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, ये जो है कथन के अकॉर्डिंग चलने पर ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी क्या गलत है, तो ना तो एक ना तो दो यहाँ पर अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपको कह रहा है कि अस्पतालों की संख्या के रूप में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में विस्तार तो हुआ है किंतु उनमें अधिकांश अच्छी तरह से लैस नहीं है, अधिकांश अच्छी तरह से लैस नहीं है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य सेवा के अकॉर्डिंग मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो डॉक्टर वगैरह हैं, हॉस्पिटैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना? तो और रोगी सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की हम मोहर नहीं लगा पा रहे हैं, प्रगति की मोहर नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब अस्पतालों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन रोगी सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब है सरकार ने ऐसे हॉस्पिटल तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल तो बढ़ा दिए हैं लेकिन क्या वहाँ पर जो है सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की अच्छी है ना, अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं है, जिस कारण प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है, जिस कारण जो है वहाँ पर जो रोगी सेवा है मतलब रोगियों की जो सेवा है उस क्षेत्र में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं हो पाई, उसका कारण क्या है ना, मतलब जो कारण क्या है, कारण यह है कि भैया वहाँ पर हमें जो कोई भी हॉस्पिटैलिटी नहीं दी है। तो इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे उनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। हमें अब से मौजूदा अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर और उपकरण प्रदान करने चाहिए। देखो, ये कथन बिल्कुल 110% सही है, क्योंकि जो कथन कह रहा है कि रोगी के सेवाओं में प्रगति की मोहर नहीं लग रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखो, जो है अधिकांश जो है अच्छी तरीके से लैस नहीं है, इसी कारण तो क्या नाम बोलते हैं, रोगी क्षेत्र सेवा क्या नहीं हो पा रहा है, प्रगति नहीं कर पा रही है। अगर अच्छे जो है अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर आप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो रोगी सेवाओं में क्या हो जाएगा, रोगी सेवाओं के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल क्या करेंगे, सरकार के ये जो हॉस्पिटल हैं वो प्रगति करेंगे। ठीक है, तो इससे तो निष्कर्ष निकलता है कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना? और क्योंकि ये चीज़, हाँ, निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं है ना, इसीलिए कथन में क्या कहा गया है, ये चीज़ें जब नहीं है मतलब अच्छा डॉक्टर और अच्छी हॉस्पिटैलिटी जब नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल जो है रोगी क्षेत्र के सेवाओं में मतलब रोगी जो क्षेत्र है सेवा की जो क्षेत्र है उनमें प्रगति नहीं कर पा रहे। तो निष्कर्ष निकलता है पहला बिल्कुल सही है।
तो हम पहले को बिल्कुल सही रखेंगे, है ना। दूसरा वाला, अब कोई भी नए अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं है। देखो मान लिया कि यार हमने एक शहरों में तो हॉस्पिटल काफ़ी सारे खोल दिए, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि भैया आपके क्षेत्र सीमित है, आपको बस एक ही जगह पे है ना हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, आपको हो सकता है उसके बाहर भी हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत हो, है ना। ये हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता है कि नहीं है ना। तो ये निष्कर्ष के रूप में सही नहीं माना जाएगा, है ना। तो केवल एक फॉलो करेगा इसका, केवल एक अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, कह रहा है डिबेटिंग में दिलचस्पी को विकसित करने के लिए प्रत्येक छात्र को स्कूल में प्रति सप्ताह 2 डिबेटिंग क्लासों में भाग लेने और डिबेटिंग पर किए गए चर्चों की एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2015 से अनिवार्य बना दिया है। तो मतलब दिसंबर 2015 से एक नियम बना है, इस नियम के अकॉर्डिंग आपको हफ्ते में 2 डिबेट क्लास में भाग लेना है और डिबेटिंग पर किए गए चर्चे पर एक रिपोर्ट भी पेश करनी है। मतलब कि आपको 2 क्लासें लेनी है और हफ्ते में एक रिपोर्ट भी बनानी है कि आपने जिस भी विषय में डिबेट किया है उससे रिगार्डिंग एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है आपको, ठीक है ना। तो जो निष्कर्ष निकलते हैं कथन को समझने के बाद से देखते हैं कितना सही है कितना गलत है ना। डिबेटिंग में रुचि ताकत के बल पर बनाया जा सकता है। तो भैया देखो ऐसा है, जो आपका रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपके अंदर से आता है। ताकत के बल पर हम इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, हम ये है ना कह नहीं सकते, है ना। हालांकि जो है डायरेक्ट वे में हम जानते हैं इस बात को पब्लिकली, स्टैंडर्ड जो है निष्कर्ष है ये कि ताकत के बल पर हम क्या नहीं कर सकते, ताकत के बल पर हम किसी की भी रुचि को है ना चेंज नहीं कर सकते या रुचि उसमें लगवा नहीं सकते। तो डिबेट की रुचि में हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं ला सकते, है ना। तो ये जो पहला कथन है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, जो दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है, कुछ छात्रों में अंततः डिबेटिंग में रुचि विकसित होगा। देखो अगर आप एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो हफ्ते में 2 डिबेटिंग क्लास करवाई जा रही है और उनसे एक रिपोर्ट भी पेश की जा रही है, पर फिर भी हम इस बात की गारंटी कैसे दें कि भैया कुछ छात्रों में या किसी भी एक भी छात्र में डिबेटिंग की रुचि विकसित होगी। हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं भैया, दावे के साथ नहीं कह सकते, क्या पता किसी की भी ना हो। क्योंकि मैंने ऊपर वाला जो हमने निष्कर्ष काटा है ना, जो काटा है वो क्यों काटा है, क्योंकि ताकत के बल पर आप रुचि बदल सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं, हम श्योर नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें लागू करवाई जा रही हैं, है ना, ये जो चीज़ें लागू करवाई जा रही हैं वो क्यों करवाई जा रही हैं, कि लोग रुचि लेंगे, लेकिन लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना, विकसित होगी कि नहीं होगी, है ना, ये निष्कर्ष के रूप में सही नहीं मानी जा सकती। हाँ ये एक्चुअली पूर्व धारणा के रूप में अगर ये कहा जाता कि कुछ छात्र में अंततः डिबेटिंग में रुचि विकसित होगी, है ना, ये अगर एक पूर्व धारणा होती तो सही होता, लेकिन ये निष्कर्ष के रूप में ये पूर्व धारणा बिल्कुल सही नहीं मानी जाएगी, है ना। क्योंकि हम नहीं बता सकते भैया कि एक भी बंदे का रुचि पैदा होगा उस डिबेटिंग कंसेप्ट में या नहीं होगा, क्या पता नहीं होता और क्या पता सबका हो जाता है। तो हम इस बारे में कुछ निष्कर्ष नहीं कह सकते, निष्कर्ष हमेशा 100% होना चाहिए और यहाँ पर हम 100% नहीं है। हाँ मैं जान रहा हूँ कि बुक में इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं दिया गया, ये डाउट की दृष्टि से हमने रखा था इसको, लेकिन जहाँ तक है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है इसमें, है ना। तो मेरे हिसाब से न तो एक न ही दो अनुसरण करेगा। अगला, सुखविंदर अन्य तरीकों से वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। सुखविंदर अन्य तरीकों से वर्तमान प्रशिक्षण, यानी कि जो अभी शिक्षण का काम चल रहा है, प्रशिक्षण का काम चल रहा है, इसके कार्यक्रम को बदलने, यानी कि जो इस अभी शिक्षण का काम है ये शायद सही नहीं है ना, इसकी वजह से इसको बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है, जो कि उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता बहाल लाने में जो है सक्षम है। तो ये भैया जो अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो रियल मतलब जो कैंडिडेट है उसकी जो मतलब रियल एबिलिटी है वो बाहर आए। मतलब जो अभी प्रशिक्षण है इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतनी एबल नहीं है कि आप जो आपकी जो योग्यता है वो उसको बाहर ला पाए अपनी जो उम्मीदवार है। मतलब ओवरऑल अगर एक सिनारियो समझा जाए तो यही मतलब निकल के आता है कि जो ये सुखविंदर हैं अन्य तरीकों से वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम को बदलना चाहते हैं भैया, ठीक है, और इस पर बल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया, कुछ सोच के दे रहे हैं, है ना, और वो बोल रहे हैं। इस कथन को हम अगर सच मान लेते हैं तो हम इससे क्या निर्णय निकाल पाएंगे कि भैया अभी वाला ठीक नहीं है इसलिए वो दे रहे हैं, है ना। उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता बाहर लाना महत्वपूर्ण नहीं है, अरे नहीं होता तो वो बल क्यों देते भाई, है ना। ये निष्कर्ष कौन निकाल सकता है भैया, ऐसा निष्कर्ष कैसे निकालोगे, ऐसा निष्कर्ष निकाल के निकालोगे आप एग्जाम, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो पहला गलत है,
और दूसरे के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। दूसरा वाला जो है, दूसरा जो आपका निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं है, तभी वो बल दे रहा है अन्य प्रशिक्षण को जो है, वो उस प्रोग्राम को इसमें अवेल कराने के लिए, उस दूसरे प्रोग्राम को अवेल कराने के लिए, क्योंकि जो करंट का जो प्रोग्राम है वो इतना सक्षम नहीं है कि जो भी कैंडिडेट है टीचिंग के लिए, है ना, मतलब जो जो टीचिंग करने के या कुछ भी सीखने के लिए जो कैंडिडेट आया है वो नहीं सीख पा रहा है ना। उसको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस बंदे के ऊपर, है ना, उस बंदे के ऊपर जो हम प्रशिक्षण लगा रहे हैं उस बंदे से उसकी रियल टैलेंट बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा केवल दो सही, है ना, तो केवल दो फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कथन कह रहा है कि मुंबई और गोवा के बीच सड़क मार्ग से 609 किलोमीटर की दूरी समुद्र मार्ग से यात्रा करने पर 214 किलोमीटर की हो जाएगी। मतलब भैया देखो ऐसा है, ये रहा आपका मुंबई, ये रहा आपका गोवा, सड़क से जाओगे तो 614 किलोमीटर, और अगर समुद्र से जाओगे तो कितना किलोमीटर, मात्र 214 किलोमीटर। रास्ता तो बच रहा है, ठीक है, रास्ता तो बच रहा है, चलो ठीक है। इससे ईंधन में प्रतिवर्ष 6.75 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। चलो ठीक है, ईंधन की बचत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कथन की जो कह रहा है हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एक तो रास्ता बच रहा है, दूसरी बात क्या बच रहा है, ईंधन बहुत बच रहा है। तो इससे जो निष्कर्ष निकला हमारा, कह रहा है कि समुद्री मार्ग से यात्रा करना सड़क की तुलना में सस्ता है। देखो समुद्री मार्ग की यात्रा करना सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता है, ये मैं नहीं कह सकता, है ना, ये मैं क्यों नहीं कह सकता। देखो भैया साफ सी बात है, मुझे ये बताओ 214 किलोमीटर सफर यहाँ से हो रहा है, सड़क से यहाँ से हो रहा है, तो क्या जो चार्ज है पर किलोमीटर या फिर जो किराया है वो सस्ता है या महंगा है, ये मैं कैसे कह दूँ, है नहीं। दिल्ली से जो है आपका, दिल्ली से देहरादून का जो जो ट्रैवल है लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 किलोमीटर है ना। सेम जो आप रेल से जाते हैं तो आपको 200 किलोमीटर पड़ता है ना, और जबकि आप प्लेन से जाते हैं तो आपको टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, है ना, सीधे सीधे रास्ते हैं, बहुत हल्का पड़ता है, कम पड़ता है, लेकिन किराया ज़्यादा किसका है, मतलब आप जब प्लेन से जाते हैं तो ज़्यादा आपको किराया पड़ता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किराया हमें नहीं पता, तो हम किराए के बारे में नहीं कह सकते भैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सस्ता और महंगे की बात यहाँ पर कहीं नहीं हुई है, बस इतनी बात हुई है कि किलोमीटर में फासला है ना। अब ये मत समझ लेना कि किलोमीटर में फासला है तो भैया किराया भी सस्ता होगा, किराए के बारे में नहीं कह सकते भैया, है ना। दूसरा, ईंधन को जहां तक हो संभव हो बचाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है भैया कि ईंधन तो बचाना चाहिए भैया, राष्ट्रहित में भी बचाना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड है एक तरीके से, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष दो नहीं, पहला वाला गलत हो जाएगा आपका और दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो केवल अनुसरण दो फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन जो है, कैक्टस के पौधों की पत्तियां मोटी होती हैं, इससे कम पानी की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, जो पत्तियां मोटी हैं उनसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये समझ में आ रहा है ना। मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। देखो सभी के बारे में बात नहीं कर सकते, एक्सट्रीम लेवल पे ले आके पटक दिया इसने इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है कि मोटी पत्ते वाले सभी, अब ये जो सभी वर्ड है ये इसको कहाँ लेके गया, एक्सट्रीम लेवल पे लेके गया, तो हमारा ये तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया, हमें सभी के बारे में नहीं पता। कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पर पानी कम हो, बिल्कुल, चूंकि कैक्टस की पत्तियां मोटी होती है, कम पानी की आवश्यकता है, तो कम पानी वाली जगह में उगाया जा सकता है, साधारण सी बात है, बिल्कुल सही। तो पहला गलत दूसरा सही, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो केवल दो निष्कर्ष फॉलो करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास उनकी अंतिम परीक्षा के लिए मराठी और सामाजिक विज्ञान को छोड़ने का विकल्प होगा। मतलब अगले साल, जैसे अगर ये 2020 का सेशन चल रहा है, 2020-21 का, तो उस साल आपको सामाजिक विज्ञान और मराठी लेनी ही है, शायद अनिवार्य है, और अगले साल से, वैसे इस साल का कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अगले साल का जो है छोड़ने के विकल्प की बात हो रही है, मतलब विज्ञान और मराठी आप छोड़ सकते हो, है ना। मराठी वैसे महाराष्ट्र में चलती है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट है ना, तो मराठी और सामाजिक विज्ञान छोड़ने के बारे में कहा गया है कि मतलब अगले साल आप जो बच्चे आएंगे फाइनल ईयर वाले, वो चाहे तो मराठी और सामाजिक विज्ञान लें चाहे ना लें, उनकी अपनी खुद की इच्छा है, लेकिन इस साल वालों के लिए कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, इस साल वालों के लिए कोई वैकल्पिक नहीं है ये। तो अब क्या है, जो छात्र मराठी और सामाजिक विज्ञान में कमजोर हैं उन्हें अंतिम परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2021
अगले साल के सेशन वाले बच्चे हैं तो ये तो भैया कमजोर बच्चे हैं, तो ये तो दिमाग लगाएंगे अपना और वो खुद ही नहीं बैठेंगे, साधारण सी बात है, उन्हें क्यों ही दी जाएगी। तो इसका मतलब ये बात चल रही है 2020 से 21 वाले, यानी कि इस साल इस सेशन की बात चल रही है, जो इस साल में कमजोर छात्र हैं अगर जो वो फेल होते हैं, मतलब जो छात्र, तो उनको अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अरे नहीं दी जाएगी तो ये पास कैसे करेंगे? और ये हम भी जानते हैं भैया, अगर अगले साल से संस्करण चेंज हो रहा है ना, अगले जो शैक्षणिक वर्ष चेंज हो रहा है, सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जो पिछले साल के बच्चे होते हैं वो उसी पैटर्न पे काम करते हैं, तो जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको दोबारा दिया जाएगा एग्जाम, ऑब्वियस सी बात है, जाएगी, नहीं दी जाएगी तो पास कैसे होंगे, है ना। और इनके लिए तो ये नियम भी नहीं है 2020-21 वालों के लिए कि आप भैया आप वैकल्पिक ले लो, है ना, जो है कि आप वैकल्पिक ले लो और क्या हो जाएगा आपका, जो है आपका जो पैटर्न है आपको आप पेपर मत दो अगले साल, ऐसा नहीं होता भैया, ये हम भी जानते हैं। टेक्निकली होता क्या है, टेक्निकली जो होता है, जो पिछले साल के बच्चे हैं या फिर जो पिछले शैक्षणिक वर्ष के बच्चे हैं वो उसी पैटर्न पे पेपर देते हैं, ये पैटर्न का तरीका है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है कि इससे पहले छात्र को इन वर्ष के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। अच्छा, इससे पहले छात्रों को इन विषयों के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। देखो भैया, विकल्प अभी दिया जा रहा है, तो मतलब पहले नहीं होगा तभी दिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब नहीं होगा, साधारण सी बात है, निष्कर्ष तो ये निकलता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, पहला भी क्या है, बिल्कुल सही है, फॉलो करता है ना, तो इसका मतलब दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, पहला फॉलो दूसरा भी फॉलो, तो केवल दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बगीचे में आम, सागौन, नीम, नारियल, नारंगी और ताड़ के बहुत सारे पेड़ लगे हैं। आम का पेड़ 7 मीटर लंबा है, नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है, नारियल का पेड़ आम की पेड़ की ऊंचाई का 3 गुना है। यानी कि क्या निकल के आया निष्कर्ष, निष्कर्ष ये निकल के आया भैया आपका, है ना, जो यहाँ से आम का पेड़ 7 मीटर लंबा है, नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है, यानी कि 3.5 मीटर का, और नारियल का आम के पेड़ से 3 गुना है। तो इसका मतलब हुआ कि नारियल 21 का, आम 7 का, और इसका जो आपका नारंगी का पेड़ है वो 3.5 का। अगर जोड़ते हैं तो ये आ रहा है आपका कितना, 7 3 10, 10.5, 21, 31, और इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 10.5 के आसपास। कितना आएगा, 10.5 के आसपास, नहीं करेक्ट, 10.5 भी आएगा भैया। तो यहाँ पर कह रहा है कि तीनों पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है, जो वो आपका क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा, 10.5 आ रही है, तीनों पेड़ों जो कि जो हमें ऊंचाइयाँ दी गई है उसके अकॉर्डिंग औसत ऊंचाई 10 मीटर से ज़्यादा है और यहाँ 10 मीटर से कम दे रखी है, तो निष्कर्ष गलत होता है। बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल है, नारियल 7 का 3 गुना, यानी नारंगी, अच्छा नारियल जो है आम के पेड़ का 3 गुना, यानी कि 21 मीटर है। पर अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो भैया देखो, नारियल के अलावा आम की बात हो गई है, नारंगी की बात हो गई, लेकिन नीम और सागौन की बात नहीं हुई है कि ये कितने लंबे हैं। तो हम डेफिनेटली इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि नारियल ही सबसे ऊंचा पौधा होगा, है ना, तो हम यहाँ पर श्योर नहीं है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ ना तो एक ना ही दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन का बड़ा ध्यान रखना करते समय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें। अगला कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन में मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण, है ना, तो इसको मैं जरा सा ले लेता हूँ ऐसे, जलवायु थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। तो जलवायु परिवर्तन में मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण जल प्रबंध और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन बहुत विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया के बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा जल का संग्रहण करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है, यानी कि जो वर्षा का जल है वो भूजल का जो स्तर है उसका पुनर्भरण करता है, यानी कि अगर भूजल कम हो जाता है, आपका लो लेवल हो जाता है, वाटर लेवल लो हो जाता है, तो वर्षा जल जो है इसका दोबारा पुनर्भरण करता है। मानसून के दौरान पानी के अपवाह को रोकता है। अगर आप क्या करते हो, जल का संचरण करते हो, तो आपका जो अतिरिक्त जो आप जल संचरण कर रहे हो वो बहने से ये क्या कर देता है, रुक जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अपवाह की दर रुक जाए, कम हो जाएगी जब आप स्टोर कर दोगे पानी। मिट्टी का कटाव कम करता है, बिल्कुल, अतिरिक्त जल बहेगा तो मिट्टी बहेगी और मिट्टी के बहने के साथ साथ कटेगी, कट के बहेगी, ऑब्वियस सी बात है। और
पानी, पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। बिल्कुल, जो पानी आप संचित करके रखोगे उसको फिल्टर करके आप पी सकते हो, इससे ज़्यादा जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। तो जल, ये जो सिस्टम है ना, जल संरक्षण की पद्धति, ये जो हमने सिस्टम अपनाया है जल संरक्षण, इसकी पद्धति को बढ़ावा देता है जल का संचयन। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जो ये सिस्टम हम अपना रहे हैं, ये पानी की है ना कमी के कारण ही अपना रहे हैं। तो जल का संचयन विशेष दिन विशेष महत्वपूर्ण है, कहाँ, शहरी क्षेत्रों में, है ना, शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या है, पानी की ज़्यादा जो परेशानी होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, सप्लाई ज़्यादा होती है। इन दिनों क्या होता है, बाढ़ बाढ़ आने की वजह से हम जानते हैं कि काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाती है ना, जल के मतलब जल को निरंतरता बनाए रखने में, आपको सप्लाई देने में, जल की आपूर्ति देने में, जल संस्थान विभाग को, है ना। तो पैराग्राफ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन का सबसे ज़्यादा समर्थन करता है, जलवायु परिवर्तन ने मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। देखो, प्रतिकूल अनुकूल ये वाली बात तो हम कहीं भी, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल की बात कहीं ना कहीं बात सही है, परंतु अगर देखा जाए ये भी एक तरीके से हल्का हल्का सही है, तो स्टैंड बाई मोड में रह सकता है। वन भूजल स्तर को बनाए रखने की में मदद करते हैं, मतलब कि कह रहा है कि वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, ये बात भी हल्की हल्की सही है। और जो है, शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त पानी के भंडार नहीं है, ये भी बात हल्की हल्की सही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जल संचयन अगर हम करते हैं, है ना, तो इनमें से काफ़ी प्रॉब्लम का हल हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये जो है बिल्कुल, जो जल संचयन समय की मांग है, और इस मांग के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें जो कि है ना, बी और डी ऑप्शन में तो दिक्कतें ही हो रही हैं, मतलब वो डायरेक्ट एक रिलेट करके बता रहा है कि भैया इन चीज़ों से होने से ये प्रॉब्लम हो रही है, और इन चीज़ों का जो कंक्लूजन है, इन तीनों ही चीज़ों का जो कंक्लूजन है, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी में जाकर छुपा हुआ है। आप अगर ज़रा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, तो ये जस्ट आप पकड़ सकते हैं आराम से कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल, जो इनका ओवरऑल निष्कर्ष, जो आपका ओवरऑल सोल्यूशन है एक तरीके से, वो है ना, ये तो तीनों की तीनों मतलब ए बी सी में कारण के रूप में ठीक है, लेकिन प्रभाव कारण के रूप में ठीक है, लेकिन निष्कर्ष के रूप में, है ना, निष्कर्ष के रूप में, यानी कि जो हमारा पूरा कथन का निष्कर्ष के रूप में, या हम कह लें कि इफेक्टिव जो बन रहा है पूरे कथन का, जो इफेक्ट या फिर पूरा जो निष्कर्ष निचोड़ निकल के आ रहा है कि भैया अभी डिमांड है जल को संचयन करने की। तो ये मेरी अपील भी है कि आप जल का संरक्षण करें, है ना, भले ही आप शहर में रहें, भले ही आप ग्रामीण इलाके के निवासी हों, कहीं भी आप रह रहे हों, आप भारतीय हों, भले आप कोई भी हो, है ना, कहीं से भी आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको जल संरक्षण करना चाहिए। केवल पीने योग्य पानी का 2.4% हमारे जो है इस टोटल, मतलब जो अर्थ में जितना भी पानी है 70%, उसका 2.4% ओनली जो है पीने योग्य है, और उसका भी 1.6% लगभग लगभग भारत के पास है। तो समस्या की जड़ तो है कहीं ना कहीं स्वच्छ पानी, तो पानी का संरक्षण करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यवान हरीश का पिता नहीं है। देखो तो भैया, सत्यवान जो है इज नॉट फादर, अरे रे, रे, रे फादर के लिए हम ब्लॉक का यूज करते हैं, ये फादर नहीं है किसका, हरीश का। तो ठीक है, चलो समझ में आ गया, हरीश सूरज का बेटा है। अरे सत्यवान के लिए मैं एस टी लिख देता हूँ, हरीश तो जो है सूरज का बेटा है, तो इसका मतलब हरीश जो है यह सूरज का क्या है, हरीश जो है सूरज का बेटा है। तो ये हो गया हमारा, और सूरज के तीन बेटे हैं, तो सूरज के तीन बेटे हैं, तो एक हरीश है, बाकी दो और बेटे हैं। ठीक है, ये बेटा नंबर 2 हो गया, ये बेटा नंबर 3 हो गया। तो देखते हैं क्या कह रहा है, सत्यवान सूरज का बेटा है। अब देखो, सत्यवान और सूरज के बारे में कोई बात नहीं कही गई है ना, तो इसलिए हम इस कंक्लूजन को क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इस कंक्लूजन को यहाँ पर जो है गलत कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या सत्यवान और सूरज के बीच में कोई बात कही है भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब तक आप निर्णय देने के लिए 100% श्योर ना हो, तब तक सही ना करें। सूरज हरीश का पिता है, सूरज जो है हरीश का पिता है। देखो, चूंकि हरीश सूरज का बेटा है, तो इसका मतलब सूरज हरीश का पिता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, सही निष्कर्ष। अब हमने बी ऑप्शन सही निष्कर्ष चुनी ली, है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर जो है मैंने सी ही ऑप्शन जो है चुन लिया था, तो इसका मतलब डायरेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। अगला देखते हैं, है ना, तो अगला जो है हमारा वो क्या आ रहा है, वो है आपका चिकित्सा का पैसा
सबसे अनैतिक बन गया है, मतलब कि बिल्कुल इसमें नैतिकता नहीं रह गई है, कोई शिष्टाचार नहीं रह गया, कोई भी मतलब मर्यादाएं नहीं रह गई हैं। सब डॉक्टर्स जो हैं अपने मर्यादाओं को तोड़ करके अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग बीमार होने से डरने लगे हैं। डरने क्यों लगे हैं भैया? कि लूटेगा डॉक्टर, डॉक्टर बहुत हरामी है, लूटेगा एक नंबर, है ना। तो ऐसा लोगों को लगना है, मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। नहीं, वैसे डॉक्टर तो काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष ये कह रहा है कि जो है, निष्कर्ष कहता है कि भैया चिकित्सा एकमात्र अनैतिक पेशा है। देखो, जहाँ पर एकमात्र कह दिया मतलब चरम सीमा पर लेके पटक दिया इस निष्कर्ष को, तो हम ये नहीं कह सकते भैया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण सी बात है, ये है हमारा कथन नंबर, ये तो पहला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। दूसरा, अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं, ये भी नहीं कह सकते भैया। क्या भाई, क्या गारंटी है अनैतिक ही लोग बीमार पड़ते हैं? नैतिक भी तो पड़ सकते हैं। तो निष्कर्ष मतलब 100% श्योरिटी, और वो हमें यहाँ पर हो नहीं रही है। तो ना निष्कर्ष एक ठीक है, ना निष्कर्ष दो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। कथन कह रहा है आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। देखो, यहाँ पर आर्यमान की बात की गई है, यहाँ पर आर्यमान की बात की गई है, आर्यमान यहाँ पर जो है मून की बात की गई है। मून एक जो कह रहा है हमारा कैसा उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका मतलब इसके विपरीत, यानी कि ये कैसा है, मैन मेड सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है, एक सैटेलाइट नहीं है। अरे सैटेलाइट नहीं है, हम नहीं कह सकते हम भाई, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है आर्य में, तो ये गलत हो जाएगा कथन कि सैटेलाइट नहीं है कहना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि खुद ही क्वेश्चन ने कह रखा है कि चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब कि जो है सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्यभट्ट के विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ, चंद्रमा अगर विपरीत है आर्यभट्ट के, तो अगर चंद्रमा विपरीत होने पर प्राकृतिक है, तो आर्यभट्ट इसका मतलब क्या है, जो है कृत्रिम सैटेलाइट है, यानी कि मैन मेड सैटेलाइट है। तो भैया सैटेलाइट तो है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वह उपग्रह नहीं है ना। हाँ, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है कहते तो भैया ये बात कथन सही होता, कहीं ना कहीं निष्कर्ष बिल्कुल सही माना जाता, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला जो निष्कर्ष होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष के ऊपर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष नंबर दो की बात कर लेते हैं, है ना। निष्कर्ष दो कह रहा है कि चंद्रमा एक तारा है और आर्यभट्ट एक उपग्रह है। देखो भैया, खुद ही कह रहा है कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो तारा तारा है या नहीं है हमें नहीं पता, है ना। तारों की क्या विशेषताएं हैं हमें ये भी नहीं पता, तो चंद्रमा के बारे में हम नहीं कह सकते, है ना। और आर्यभट्ट एक उपग्रह है। देखो, अगर क्या नाम बोलते हैं, चंद्रमा एक उपग्रह है, और उपग्रह तारे होते हैं नहीं होते, उपग्रहों का तारों के साथ अभी तक कोई संबंध नहीं पता। देखो, चंद्रमा जो है उपग्रह है, पर उपग्रहों का तारों के साथ संबंध, अगर तारे हैं, है ना, तारे हैं या फिर उपग्रह है, उपग्रह तो है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये ज़रा सा गलत कर दिया, यहाँ पे सभी चंद्रमा अंदर आ जाएंगे, सभी चंद्रमा क्या है, जो भी चंद्रमा है वो उपग्रह है, लेकिन उपग्रह तारे हैं नहीं है ये हमें नहीं पता। तो भैया चंद्रमा के बारे में भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, और पहला ऑप्शन भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये गलत हो जाएंगे, तो ना ही एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, इंटरनेट के बिना हम, इंटरनेट हमारे जीवन का क्या बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट हमारे जीवन का क्या बन गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है। फिर भी इंटरनेट इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। इंटरनेट जो है एक अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है, बन चुका है, फिर भी, और कथन मतलब कह रहा है कि देखो, इंटरनेट तो अभिन्न अंग बन चुका है, मतलब अब तो भैया ये अलग नहीं हो सकता, कहने का मतलब है, ठीक है ना। आज की डेट में डेली लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में, हर एक चीज़ में आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। वैसे भी ये डिजिटल युग है, डिजिटल क्रांति का समय चल रहा है ना, और फिर भी हमें इंटरनेट हमारे लिए क्या है, मतलब एक वरदान है ना, गॉड गिफ्ट है, या फिर जो भी है ना, अभिशाप है, इस पर निरंतर बहस जारी है। तो लोग करते हैं, सिंपल सी बात है, लोगों को लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि भैया कंप्यूटर जो है बिल्कुल साइंस को आगे तरक्की करवा रहा है ना, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये इसने आदमी की वास्तविक क्षमता को क्या कर दिया है, सोचने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्षीण कर दिया है, कम कर दिया है। आदमी सब कुछ क्या है, आदमी भौतिकवादी हो चुका है, और आदमी सब कुछ अपने हाथों में चाहता है ना। इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अब चूंकि देखो, चूंकि वो खुद कह रहा है कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है ना, क्योंकि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, तो भैया मुश्किल तो है ना, असंभव तो नहीं लिखा ना, कल्पना करना मुश्किल लिखा है खाली,
असंभव लिख देता तो चरम सीमा पे पहुंच जाता, मुश्किल लिखा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मुश्किल चल सकता है क्योंकि अभिन्न अंग है। अब आपका हाथ है, आपका हाथ है, आपका हाथ ही नहीं रहेगा, ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है आपके लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा ही है कि कंप्यूटर एक तरीके से आपकी बॉडी का एक आपकी बॉडी आपकी आपकी लाइफ का है ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, तो उसके बिना मुश्किल है ना, बिल्कुल सही बात है क्योंकि अभिन्न अंग है, वहाँ पर उसने क्या रखा है, ठीक है ना। इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है, देखो आवश्यक अनावश्यक है या ना, चूंकि वो अभिन्न अंग है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कई लोगों का ये मानना हो कि इस पर लगातार बहस आवश्यक है या अनावश्यक है, तो हम कह नहीं सकते कि आवश्यक है या अनावश्यक है। हालांकि अब चूंकि वो हमारे रियल पास, क्योंकि देखो अगर हम एक पक्ष की ओर को बात करें, जो लोग ये समझते हैं कि इंटरनेट वरदान है तो उनके अकॉर्डिंग इस पर बहस, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये ठीक है, लेकिन अगर दूसरे अकॉर्डिंग बात करें हम, मतलब उन लोगों के अकॉर्डिंग बात करें जो ये समझते हैं कि इंटरनेट ने आपको क्या बना दिया है, भौतिकवादी बना दिया है आपको, बिल्कुल आपके दिमाग की क्षमता को कम कर दिया है, आप निर्भर हो रहे हैं दूसरी चीज़ों पर, उनके अकॉर्डिंग क्या है ये चीज़ गलत है ना। तो ये जो है इसका जो है इस निष्कर्ष नंबर दो को मैं आपके आपके कमेंट पर, मतलब आप पे छोड़ रहा हूँ, आपके कमेंट पर ही छोड़ रहा हूँ, आप मैं आपका कमेंट इस पर रीड करूंगा। अगर आप इसका कोई इस क्वेश्चन का आंसर करें, इस कमेंट को ट्राई करें, इसके इस क्वेश्चन को ट्राई करें और तब इसका आंसर दें, देखें कितने इन क्वेश्चनों के साथ हमें, तो इस दूसरे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को, है ना। अदरवाइज मैं इसको जो है बाद में क्या है अगले अपने स्लाइड में इस क्वेश्चन को करूँगा। अगर आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए तो इसको ट्राई कीजिए, मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ इनफ फॉर दिस सेशन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।